नमस्ते दोस्तों, आप लोग सही समय पर आए हैं। आज मैं आपको महाराज विक्रम की एक अनोखी कहानी दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, वैसे तो महाराज विक्रम की हर कहानी अनोखी होती है, लेकिन इस कहानी की बात कुछ और ही है। नहीं 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 नहीं, मैं इस कहानी के बारे में आगे और कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लीजिए। क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे। महाराज, आप थके हुए से लग रहे हैं, चलिए उस झील के पास थोड़ा आराम कर लेते हैं। तुम ठीक कहते हो मुंजा, चलो। ये जगह बहुत ही मनमोहक है मुंजा। आइए महाराज, उस पेड़ के नीचे चलकर थोड़ी देर आराम करते हैं। वाह, कितना सुंदर बगीचा है। यहाँ की ठंडी हवा से मन और तन दोनों में ताजगी आ गई है। ये मैं कहाँ आ गया? मुंजा, हम कहाँ हैं? विक्रम, मैं आ गया। मैं अब आएगा मजा, जब मैं तुझे इस घने जंगल में खत्म कर दूंगा। ये क्या, मेरी तलवार? तलवार चली गई। मुझसे डर कर। ये कैसी माया है? ओ, मैं तो खाई में गिर रहा हूँ। मुंजा, तुम? मैं जीवित हूँ। महाराज, आपने अवश्य कोई सपना देखा होगा। महाराज, लेकिन आपको ये घाव लगा कैसे? ये घाव मुझे दमाक की तलवार से लगा है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। आज सुबह मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मुझे लगता है दमाक मेरे सपने में प्रवेश करके मुझे मारने की योजना बना रहा है। महाराज, दमाक से लड़ने के लिए अब हमें उसके सपने में प्रवेश करना होगा। जो चाल वो हमारे साथ चल रहा है ना, हम भी वही चाल उसके साथ चलेंगे। तुम ठीक कहते हो मुंजा, मैं एक महर्षि को जानता हूँ, महर्षि मंदार। उनके पास अनोखी शक्तियाँ हैं। हमें सपने में प्रवेश करने की विद्या सीखने के लिए महर्षि मंदार के पास जाना ही होगा। महर्षि। आइए महाराज विक्रम, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आप सपने में प्रवेश करने की विद्या सीखने आए हैं। महाराज, ओम स्वप्नलोक प्रवेशाय भमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ही वो तांत्रिक सो जाएगा,
इस मंत्र के बल से आप उसके सपने में प्रवेश करेंगे और जब आप उस तांत्रिक को खत्म करेंगे तो उसके साथ ही उसका सपने में प्रवेश करने का जादू भी खत्म हो जाएगा। महर्षि, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा महाराज, उसके सपने में प्रवेश करने के बाद यदि आप खुद भी सो जाएंगे तो ये मंत्र कमजोर हो जाएगा। मगर महाराज, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार इन बुरे सपनों के कारण आप काफी समय से सोए नहीं हैं। अगर मुझे डम डम डमा का खेल खत्म करना है तो ये साहस दिखाना ही पड़ेगा। आपकी विजय हो महाराज विक्रम। ओम स्वप्नलोक प्रवेशाय भवः। 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 ये तो मौत की घाटी है। ये कैसी आवाज है? अरे मैं तो बजाऊंगा बाजा, मारूंगा विक्रम को और बन जाऊंगा राजा। मैं तो बजाऊंगा बाजा, मारूंगा विक्रम को और बन जाऊंगा राजा। मैं तो बजाऊंगा बाजा। डम डम डमक, तू यहाँ कैसे आ गया विक्रम? जैसे तुम मेरे सपने में आया था डम डम डमक। तू यहाँ आ ही गया है तो मरने के लिए तैयार हो जा। ये कैसे हो गया? अब देख आगे क्या क्या होता है। विक्रम, अब आएगा मजा। विक्रम, मैं जानता था तू थक जाएगा और नींद तुझे तेरी आंखों को बंद करने पर मजबूर कर देगी। अब मैं तुझे बड़ी आसानी से खत्म कर दूंगा। मुंजा के होते हुए महाराज विक्रम को मारना तो दूर, छूना भी नामुमकिन है। अच्छा तो तू आ ही गया हा? मत भूल मुंजा, मेरे सपने में वही होगा जो मैं चाहूंगा। महाराज महाराज बचाइए। महाराज बचाइए। महाराज बचाओ।
वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है मुंजा। मुझे अब शांति से सोना है। जी महाराज।